नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में भारत का साथ देगा चीन। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर प्रतिबंध का चीन ने किया था विरोध। चीन के 4 दिवसीय दौरे से लौटे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। जापान के हिरोशिमा शहर पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा। हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम में दी परमाणु हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। हमले में मारे गए लोगों पर जताया दुख लेकिन नहीं मांगी माफी। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का दावा, राष्ट्रपति बना तो रद्द करूंगा जलवायु समझौता। जलवायु समझौते को अमेरिका के हितों के खिलाफ बताया, नई ऊर्जा नीति लाने का किया वादा। H-1B और L-1 वीजा लेना हुआ महंगा, अमेरिका ने बढ़ाई फीस, दिसंबर से लागू होंगे नए दिशा निर्देश। लंदन में होगी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ओपन हार्ट सर्जरी। साल 2011 में हुआ था शरीफ के दिल का ऑपरेशन। सर्जरी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गेट वेल सून। अमेरिका के शहर कैरोलिना की गवर्नर निक्की हेले ने उठाए मोदी सरकार पर सवाल, बोली, भारत में बिजनेस के लिए सरकार में किसी से परिचय होना जरूरी। भारत की सरकार को अमेरिका की सरकार से ज्यादा शक्तिशाली बताया। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए जीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।